एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर हामिद अली एंड आई एम लेक्चरर एट किंग्सवे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज शेरगढ़। दिस इज चैप्टर 2 इन योर बायोकेमिस्ट्री कोर्स एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट इन योर बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 2। आज के चैप्टर में हम विटामिंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके चैप्टर 2 का आखिरी पोर्शन है जो आज कवर हो जाएगा। आज के टॉपिक्स जो हैं, जो हम विटामिंस में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि विटामिंस क्या होते हैं। उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे कि विटामिंस के कितने टाइप्स होते हैं, और ईच टाइप, हर एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि फैट सोलेबल विटामिंस कौन सी चीज़ें होती हैं और वाटर सोलेबल विटामिंस क्या होती हैं। सो लेट्स बिगिन। डिफिनेशन: अ विटामिन इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट विच एन ऑर्गेनिज्म नीड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। विटामिन जो है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब जो कुछ न्यूट्रिएंट्स मैक्रो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन विटामिन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो हमें कम मिकदार में चाहिए होता है, स्मॉल क्वांटिटीज में। और हर एक विटामिन का एक अपना फंक्शन होता है, कुछ एंजाइम के साथ मिलकर रिएक्शंस कैटलाइज करते हैं। तो इस तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट है और स्मॉल क्वांटिटीज में हमें ज़रूरत होती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ऑर्गेनिज्म आइदर एट ऑल और नॉट। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उस न्यूट्रिएंट्स को एसेंशियल कहा जाता है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, और जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं तो उसे हम बाहर से हमें खाने में ज़रूरत नहीं होती, तो उसे नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विटामिन जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में या तो सिंथेसाइज नहीं होती, बनती नहीं है, और या से बनती है लेकिन बहुत कम मिकदार में बनती है, तो उसकी इसलिए हमें डाइट से या खुराक से हमें उस विटामिन की ज़रूरत होती है। दीज आर इन्वॉल्व इन फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हर एक विटामिन का एक अपना फंक्शन होता है, और इसलिए हर एक विटामिन का एक अपना फंडामेंटल फंक्शन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। विटामिन्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है लिपिड सोलेबल या फैट सोलेबल विटामिन्स, और एक वाटर सोलेबल विटामिन। जो विटामिन्स हमारे फैट्स में सोलेबल होते हैं तो उसे हम लिपिड सोलेबल कहते हैं, और जो पानी में सोलेबल होते हैं उसे वाटर सोलेबल विटामिन कहते हैं। ये है आपके पास एक स्केच डायग्राम, एक बेसिक कि किस तरह विटामिन को क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है फैट सोलेबल। फैट सोलेबल हमारे पास चार विटामिन आते हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ए को हम रेटिनॉल कहते हैं या बीटा कैरोटीन्स, डी को कैल्सिट्रायोल, ई को टोकोफ्यूरोल्स, और के को फाइलोक्विनोलोन्स कहते हैं। इस तरह वाटर सोलेबल में एक बी कम्प्लेक्स होता है, जो कि एक लंबी लिस्ट होती है, और एक नॉन बी कम्प्लेक्स जिसमें विटामिन सी आता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और बी कम्प्लेक्स में B1 हो गया, B2, B3, B5, B6 और B7, B9 और B12 होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नाइसिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, बायोटिन फोलिक एसिड, और B12 को कोबालामीन कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम फैट सोलेबल विटामिन के बारे में, कि फैट सोलेबल विटामिन जिस तरह ए, डी, ई एंड के होते हैं, सो दे आर नॉन पोलर डेरिवेटिव। ये होते हैं, जो फैट जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। जिस सब्सटेंस में पोल्स होंगे तो वो पानी में डिसॉल्व होगा, अगर जिसमें पोल नहीं होंगे तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, और उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब हीटिंग, यानी वाटर को हीट करता है और वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता। पूली सोल्यूबल इन वाटर बट गुड इन फैट्स एंड फैट सॉल्स। तो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता और फैट्स में सोलेबल होता है। एग्जिस्टिंग विद द लिपिड्स इन फूड पार्टिकल्स एंड एब्जॉर्ब विद द लिपिड्स। जो कि हमारे ज़्यादातर जो हमारे पास फैटी फूड्स होते हैं, जिस तरह फैटी फूड्स होते हैं, ज़्यादातर ये विटामिंस उसमें हमारे पास मौजूद होते हैं, जिस तरह मीट हो गया, गोश्त हो गया, उसमें तो उसमें जो लिपिड्स पोर्शन होते हैं उसमें ये एब्जॉर्ब होता है। स्पेसिफिकली बाइंडिंग टू लिपोप्रोटीन एंड सर्टेन बाइंडिंग प्रोटीन इन ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या होता है, ये जो हमारे खुराक में जो लिपिड्स होते हैं उसके साथ होता है, और जो लिपिड्स होते हैं उसके साथ ही एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद जो ब्लड में आते हैं तो ब्लड में लिपोप्रोटीन्स होते हैं तो उसके साथ बाइंड होता है। ये है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं ए, डी, ई एंड के विटामिन्स। अब विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं।
विटामिन ए जो कि पहला फैट सोलबल विटामिन है, इसको नाम दिया जाता है रेटिनोल, केमिकल नेम्स रेटिनाल एंड फोर कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन्स होते हैं जो मेनली जो कैरोटीन होते हैं जिसे हम बीटा कैरोटीन कहते हैं। ये फैट सोलबल है और इसके फंक्शंस क्या है, जो विटामिन ए का ज़्यादातर फंक्शन होता है वो आई के साथ होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर आई हेल्थ। जो हम अगर किसी की डाइट में विटामिन ए की कमी है तो उसकी नज़र में थोड़ा मसला होगा। हेल्पिंग योर बॉडी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इलनेस एंड इन्फेक्शन वर्क प्रॉपरली। तो इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमारी बॉडी को डिफेंड करता है जो बाहर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्फेक्शन से हमें बचाता है। हेल्पिंग विजन इन डिम लाइट, जो अंधेरे में जो हमें नज़र आता है आँख से, तो वो भी विटामिन ए का रोल होता है। अगर विटामिन ए कम होगा तो हमें अंधेरे में नहीं नज़र आएगा और हमें नाइट ब्लाइंडनेस होगी। कीपिंग द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज नोज हेल्दी। और इसका जो है जो हमारा एपिथेलियल लेयर होता है स्किन में और नोज में, उसको भी हेल्दी रखता है और उसको रीजनरेट करता है। डिफिशियंसी होगी, अगर डिफिशियंसी का मतलब है अगर हम वो विटामिन कम लेंगे और हमारी बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा क्योंकि इसका आई हेल्थ में रोल है, और केराटोमलेशिया होगा, जो हमारे स्किन में केराटीन होता है तो वो सही फॉर्म नहीं होगा। तो केराटीन अगर हमारे स्किन में फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, केराटोमलेशिया जो कि हमारे आई का जो लेयर होता है उसमें अगर फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे जो फ्रंट लेयर ऑफ द आई टू ग्रो ड्राई एंड क्लाउडी, जो हमारे आंख का जो आगे वाला हिस्सा है तो वो क्लाउडी हो जाता है यानी सफ़ेद हो जाता है, जो आप देख सकते हैं कुछ लोगों में होता है, और ड्राई हो जाता है, सूख जाता है आंख। सोर्सेस क्या हैं कि विटामिन ए कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, तो ये है लिवर। लिवर जो होता है जो कोड लिवर ऑयल हो गया, कैरट्स हो गए, ब्रोकोली, स्वीट पोटैटोज, बटर, केल, स्पिनच, पम्पकिंस, चीज़, एग्स, एप्रिकॉट्स, कैंटालोप, मेलन एंड मिल्क, इन चीज़ों में हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन डी, इसका केमिकल नेम है एर्गो कैल्सिफिरोल और कॉल्स कैल्सिफिरोल। ये भी फैट सोलबल है और इसका जो मेन रोल होता है विटामिन डी का वो बोन्स में होता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्दी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। ये हमारे बोन जो होते हैं उसको मिनरल्स देता है तो हमारा बोन्स हेल्दी होते हैं। विटामिन डी इज इन्वॉल्व इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इम्यून फंक्शन एंड प्रोटेक्टिंग बोन मसल्स एंड हार्ट हेल्थ। जो हमारे बोन्स में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है तो विटामिन डी का इसमें रोल होता है, इम्यून सिस्टम में रोल होता है, और मसल्स और हार्ट की हेल्थ में भी विटामिन डी का रोल होता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारे बोन्स की हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो हमें रिकेट्स होगा और ऑस्टियोमलेशिया होगा। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, जो रिकेट्स बच्चों की बीमारी होती है और ऑस्टियोमलेशिया जो बड़े की होती है, इसमें क्या होता है हमारा बोन जो है वो नरम पड़ जाता है। बोन स्ट्रांग होते हैं लेकिन अगर रिकेट्स हो, ऑस्टियोमलेशिया हो, तो उसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता और वो बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और नरम हो जाते हैं और वो आसानी से टूटते हैं। सोर्सेस क्या है, एक्सपोजर टू यूवी रेज फ्रॉम द सन एंड अदर सोर्सेस काज द बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। विटामिन डी एक तो प्रोडक्शन की ये है कि अगर किसी के हड्डियां कमज़ोर है तो अगर वो सूरज के आगे अगर उसका हाथ और पैर आगे करेगा तो यूवी रेज जो हमारे स्किन पर पड़ते हैं तो वहाँ से विटामिन डी भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा खुराक में फैटी फिश, एग्स, बीफ लेवर, मशरूम्स एंड आल्सो कंटेन विटामिन डी। विटामिन ई आगे आगे उसका नेम है टोकोफिरोल और टोकोट्राइनोल होता है। ये भी फैट सोलबल है और इसका फंक्शन जो है वो है इट इज़ एंटी ऑक्सीडेंट एक्टिविटी, हेल्प प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इशू डेथ, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन एंड वेरियस डिजीजेज। जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है या कोई डिजीज होती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, ऑक्सीडेशन होती है और उससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ता है। तो ये क्या करता है, ये एंटी ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है, तो इसलिए हमारा इन्फेक्शन जल्दी से ठीक होता है। डिफिशियंसी अगर होगी तो क्या होगा, इट इज़ रेयर बट मे कॉज हीमोलिटिक एनीमिया इन न्यू बोन्स। हीमोलिटिक एनीमिया होगा, हमारे रेड ब्लड सेल्स काउंट कम होगा। इसमें क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सोर्सेस क्या है, इसमें है वीट, जम, कीवीज, आलमंड एग्स, नट्स, नट्स, लीफ ग्रीन्स, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, इसमें हमारे पास विटामिन ए होता है। अब आते हैं विटामिन के, जो का हमारा आखिरी फैट सोलबल विटामिन है, इसका नाम है फिलोक्विनोन और मेनाक्विनोन। ये भी फैट सोलबल है और इसका जो मेन रोल है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में है। अगर हमारे बॉडी का कोई हिस्सा जख्म हो जाता है तो उस जगह को
उस ब्लड को स्टॉप करने के लिए उसे उस जगह उसको कहते हैं क्लॉटिंग। तो अगर हमारे बॉडी में वाइटामिन के नहीं होगा तो क्या होगा, हम ब्लीड करेंगे ज़्यादा, खून जल्दी से नहीं जमेगा, इसलिए इसे कहते हैं ब्लीडिंग डायटिसिस, यानी आसानी से ब्लीडिंग हो जाती है। इसके सोर्सेस क्या हैं, नेटो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, पम्पकिन्स हो गए, फिग्स हो गए और पार्सले, ये इसके सोर्सेस हैं वाइटामिन वाइटामिन के। फैट सोलबल वाइटामिन के बाद जो हमारे पास जो वाइटामिन की जो क्लास है उसे कहते हैं वाटर सोलबल वाइटामिन। ये वाइटामिन जो हैं, जो बी कम्प्लेक्स है और वाइटामिन सी, ये पानी में सोलबल होते हैं और बॉडी से भी इजीली एक्सक्रीट होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वाइटामिन B1, केमिकल नेम इसका है थायमिन। इसका फंक्शन क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस एंजाइम दैट हेल्प ब्रेक डाउन ब्लड शुगर। जो हमारी बॉडी में शुगर होता है इसमें इसका बड़ा रोल होता है और ये उस एंजाइम्स के साथ हेल्प करता है एज अ को फैक्टर, कि वो ब्रेक करता है ब्लड शुगर। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी, अगर हम ये वाइटामिन फूड में नहीं लेंगे तो क्या होगा, दिस मे कॉज बेरी बेरी। बेरी बेरी कौन सी डिजीज है B1 में, सिम्टम्स ऑफ ड्राई बेरी बेरी इंक्लूड। इसकी जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है डिफिकल्टी वॉकिंग, चलने में मुश्किल होती है, लॉस ऑफ फीलिंग सेंसेशन हैंड्स एंड फीट, हमारे हाथ और जो पाँव है वो नम हो जाते हैं, लॉस ऑफ मसल फंक्शन और पैरालिसिस ऑफ द लोअर लेग्स। इसके अलावा जो हमारे जो टांगों में जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उसका फंक्शन छोड़ देते हैं। इसके अलावा कन्फ्यूजन होती है, मेंटल और स्पीच में भी डिफिकल्टी होती है। ये सारी बेरी बेरी की सिम्टम्स हैं। और दूसरी जो डिजीज होती है B1 डिफिशियंसी की, वो है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये हमारे पास एक दूसरी डिजीज है। सोर्सेस क्या है B1 की, जो मेन सोर्सेस हमारे पास हैं वो है यीस्ट, पोर्क, सीरियल ग्लैंड, सनफ्लावर सीड्स, ब्राउन राइस, और इस तरह दूसरी जो कॉलीफ्लावर हो गए, पोटैटोस होंगे, ऑरेंजेस, लिवर एंड एग्स, ये भी हमारे B1 की गुड सोर्स है। B2 केमिकल नेम इसका है राइबोफ्लेविन। इसका फंक्शन क्या है, इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी सेल्स एंड हेल्प्स मेटाबोलाइज फूड। ये भी कुछ उस एंजाइम्स के साथ हेल्प करता है जो कि ग्रोथ डेवलपमेंट में यूज होता है और फूड के मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। अगर ये वाइटामिन B2 हमारे फूड में नहीं होगा तो उसकी डिफिशियंसी से हमारे पास कौन से सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स इंक्लूड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, हमारे जो लिप्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, एंड फिजर्स इन द माउथ, और हमारा जो मुंह है उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो इस तरह चीर चीर जाता है और उसमें दरार हो जाती है, इस तरह उसे फिजर्स कहते हैं। सोर्सेज इसके जो हैं मेन हैं वो बनानास हो गए, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, चीज़, मिल्क, योगर्ट, मीट, एग्स, फिश एंड ग्रीन बीन्स। B3 को जो केमिकल नेम है उसे कहते हैं नियसिन और नियसिनामाइड। इसका फंक्शन जो है हमारे बॉडी में वो भी ग्रोथ के लिए है, द बॉडी नीड्स नियसिन फॉर सेल्स टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली। अगर हमारे पास B3 की डिफिशियंसी होगी, जिस तरह B1 में हमारे पास बेरी बेरी थी, B3 में हमारे पास लो लेवल्स रिजल्ट इन हेल्थ इशू कॉल पेलेग्रा। हमारे पास पेलेग्रा होगी जो कि इंटेस्टाइन की या डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज है, उसमें क्या होता है, उसमें डायरिया होती है, स्किन चेंजेस होते हैं, और इंटेस्टाइनल अपसेट, जो हमारे इंटेस्टाइन है उसमें कोई मसले मसले मसाइल आते रहते हैं। इसके सोर्सेज जो हैं B3 के, कहाँ से हमें फूड में, कौन से फूड में B3 होता है, चिकन, बीफ, ट्यूना, सेलमन, मिल्क, एग्स, टोमेटोज और इस तरह के, और कैरेट्स हो गए, इन चीज़ों, और नट्स एंड सीड्स, इसमें हमारे पास वाइटामिन B3 होता है। B5 को केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इसका जो रोल होता है, इट इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसमें इसका रोल होता है प्रोडक्शन में, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी रोल होता है। और इसकी डिफिशियंसी से अगर हम नहीं खाएंगे उस फूड में से तो क्या होगा, पेरेस्थीजिया होगा। इसमें हमारे जो स्किन में है उसमें इस तरह पिंस एंड नीडल्स, जिस तरह सुइयां हमारे स्किन में को भी जाए तो उस तरह की हमें पेन महसूस होता है। इसके सोर्सेज B5 के हैं मीट, होल ग्रेन्स, ब्रोकली, एवोकेडोज एंड योगर्ट। B6 जो है केमिकल नेम है पायरेडोक्सिन, पायरेडोक्सामीन एंड पायरेडोक्सल, ये हमारे पास नेम है। और B6 का जो मेन रोल है, फंक्शन है, वो है वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBCs। RBCs प्रोडक्शन में वाइटामिन B6 का रोल होता है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर B6 ना होगा तो क्या होगा, लो लेवल्स में लीड टू अनीमिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हमारे पास एनीमिया होगा जो रेड ब्लड सेल्स की डिफिशियंसी को कहते हैं, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल का मतलब हमारे हाथ और पाँव में जो न्यूरॉन्स हैं
उसकी डिजीज को न्यूरोपैथी कहते हैं। सोर्सेस क्या हैं B6 के? चिक पीज, बीफ लिवर, बनाना, स्क्वाश एंड नट्स। B7 हमारे पास है बियोटिन। इसका फंक्शन क्या है? इट इनेबल्स द बॉडी टू मेटाबोलाइज प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में रोल होता है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू केराटिन, अ स्ट्रक्चर प्रोटीन इन स्किन, हेयर्स एंड नेल्स। और जो केराटिन होता है हमारे स्किन में होता है, हेयर्स में होता है, नेल्स में होता है, इसके भी प्रोडक्शन में इसका रोल होता है। अगर डिफिशियंसी होगी तो इसी भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा स्किन की केराटिन होता है तो केराटिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास डर्माटाइटिस हो गया, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन और इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इसके अलावा इंटेस्टाइन की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसके सोर्सेज हैं एग योक, लिवर, ब्रोकली, स्पिनच एंड चीज। B9 हमारे पास है फोलिक एसिड, आपने सुना होगा जो प्रेगनेंसी में जो यूज करते हैं B9 फोलिनिक एसिड। इसका फंक्शन जो है वो है मेकिंग ऑफ DNA एंड RNA। हमारे बॉडी में जो DNA RNA होता है उसके लिए फोलिक एसिड या B9 की जरूरत होती है। अगर डिफिशियंसी होगी, किस टाइम डिफिशियंसी होती है? ज्यादातर प्रेगनेंसी में B9 की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस कैन अफेक्ट फीटस नर्वस सिस्टम। डॉक्टर्स रिकमेंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो फीटस मतलब डेवलपमेंट होती है, चाइल्ड जो फीटस होता है उसके नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए B9 की जरूरत होती है। इसलिए जो प्रेग्नेंट वोमेंस हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स लें। इसके सोर्सेज हमारे पास हैं वेजिटेबल्स, पीज, लेग्यूम्स, लिवर, सम फोर्टिफाइड ग्रेन फ्रूट, सनफ्लावर सीड्स। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स में भी विटामिन B9 मौजूद होता है। इसके अलावा है हमारे पास आखिरी विटामिन बी कम्प्लेक्स का B12, जिसे साइनोकोबालामीन, हाइड्रोक्सीकोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन कहते हैं। इसका भी रोल है हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्थ में। अगर डिफिशियंसी होगी तो जाहिर है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे और कुछ एनीमिया भी इसमें होते हैं। इसके सोर्सेज जो हैं हमारे पास फिश, शेलफिश, मीट, पोल्ट्री एग्स। जो हमारे पास मीट्स हो गए और फिश हो गए इसमें हमारे पास B12 होता है। और आखिर में हमारे पास विटामिन सी है जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसका फंक्शन जो है कोलिजन प्रोडक्शन में इसका रोल होता है, वुंड हीलिंग, बोन फॉर्मेशन। इट आल्सो स्ट्रेंथेंस बोन, ब्लड वेसल्स, सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम, हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब आयरन एंड एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट। क्योंकि ये हमारे पास कोलिजन प्रोडक्शन में होता है, अगर कोलिजन हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगा तो डिफिशियंसी हमारे पास जो आएगी वो डिजीज कहते हैं स्कर्वी। और इसमें क्या होता है, हमारे जो गम्स होते हैं, जो हमारे गम्स होते हैं वो ब्लीड करते हैं। अ लॉस ऑफ टीथ, हमारे टीथ्स की भी लॉस होती है और ग्रोथ भी नहीं होती, और वुंड हीलिंग भी उसके मुश्किलात होती है। विटामिन सी जो हमारे पास है, ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो कट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें हमारे पास विटामिन सी होता है, और इस तरह वेजिटेबल्स में भी हमारे पास विटामिन सी होते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।